Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 19. Subject English class 10, theory आपको करने 21st August 2021. Student, ये worksheet भी आपकी chapter A letter to board के ऊपर ही है और इसमें भी क्या है सीन पैसेज है आपको और नीचे एम सी क्यू दे रखे हैं जिसके आपको आंसर देने हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है केयरफुली वे से और फिर नीचे आपको क्या मिलेंगे एम सी क्यू मिलेंगे, आपको उनका आंसर देना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. एक्सट्रैक्ट हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम. अगले संडे को लेंचो जो है पहले की बजाय थोड़ी पहले आता है और पूछता है कि उसके लिए क्या कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हू हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर दिया. व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हू हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड. पोस्ट मास्टर जिसको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, उसने पैसे इकट्ठे करके उस लेटर में दिए थे, तो उसको कंटेंटमेंट होता है सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्ट फीलिंग कर रहा था उसके अंदर. लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि लेंचो उस लेटर को लेगा तो उसकी क्या एक्सप्रेशन होगी. लेंचो सोट नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब लेंचो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा बोर्ड में विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसको गुस्सा आया जब उसने पैसे गिने. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता. नोर कुड ही हैव डिनाइड, ना वो मना कर सकता है लेंचो को वट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी. क्योंकि लेंचो ने 100 पैसों की रिक्वेस्ट की थी और पैसे उसको कितने मिले 70 पैसों मिले. इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक. तुरंत लेंचो जो है खिड़की पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो आईब्रो थी वो काफ़ी गुस्से में थी, ऊपर चढ़ी हुई थी. कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया. ऐसे उसके आइडिया जो है वो एक्सप्रेस कर रहा था, इजली कर रहा था. वैन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया लेटर लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प. फिर विंडो पर गया स्टैम्प लेने के लिए. विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनविलोप, जो उसने ली उसको जो है लिक किया और उसको फिर एनविलोप के ऊपर चिपका दिया, अफिक्स कर दिया. विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के जोर से ताकत से. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर ने तुरंत उसे खोलने चाहा कि देखते हैं अब क्या लिखा होगा लेंचो ने. इट सेड, उस लेटर में क्या था. गुड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, हे भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे मेरे पास भेजो भगवान. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू मुझे ये पैसे मत भेजना डाक के द्वारा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉयज हैं वो सारे क्या हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, अपराधी हैं, बैड पर्सन हैं, डिसऑनेस्ट हैं. और फिर उसने लिख दिया लास्ट में लेंचो. तो देखो स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने हमें बताया, उन्होंने तो उसकी हेल्प की थी, लेकिन लेंचो उनको क्या कहता है कि वो तो सारे डिसऑनेस्ट है. चलिए तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी लेटर्स डिड लेंचो राइट टू बोर्ड इन द स्टोरी. स्टोरी में लेंचो ने कितने लेटर लिखे हैं, 2 टाइम्स लिखे हैं ना. फर्स्ट में उसने डिमांड की थी 100 पैसोज की, सेकेंड लेटर उसने इसलिए लिखा था कि 70 पैसोज भेजे तो 30 पैसेज और बोर्ड जो है उसको भेज दें. तो कितने लेटर लिखे थे, 2. तो ऑप्शन ए देखिए 10, जी नहीं, बी 1 गलत, सी 3 भी गलत, डी बिल्कुल सही है, 2 लेटर्स उसने लिखे थे लेंचो ने बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी वाज ए पर्सन. स्टोरी में पोस्ट मास्टर कैसा है, सेल्फिश है, जी नहीं, स्वार्थी तो है ही नहीं. पोस्ट मास्टर ने तो पैसे इकट्ठे करके उसके पास भेजे थे. ग्रीडी, लालची भी नहीं है. इनसाइटफुल, यस इनसाइटफुल होता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, जो दूसरे के मन की बात समझता है उसको हम इनसाइटफुल बोलते हैं. तो वो इनसाइटफुल था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है. डी इनसेंसिटिव, जी नहीं, वो तो बल्कि सेंसिटिव था. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर। अब इसमें देखो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या थे, लेंचो के अनुसार तो वो क्या थे, बंचो क्रुक्स थे, लेकिन रियलिटी में वो क्या कैसे इंसान थे। देखिए ऑप्शन में ए बंचो क्रुक्स जी नहीं, डिसोनेस्ट तो वो थे ही नहीं, एथिस्ट भगवान में विश्वास न करने वाले वो भी नहीं थे, ऑर्डिनरी ग्रीडी पीपल साधारण से लालची लोग जी नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो हेल्पफुल थे और काइंड हार्टेड पीपल थे, दयालु थे और सहायता करने वाले थे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ ने ही डोनेशन के द्वारा पैसे इकट्ठे किए 70 पैसों और लंचो की हेल्प की, तो वो क्या थे, हेल्पफुल एंड काइंड हार्टेड पीपल। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में क्या आयरनी है, आयरनी होती है विडम्बना, मतलब अपोजिट सिचुएशन, जैसे कोई बच्चा जो है स्कूल में लेट आता है और कोई टीचर कहे कि यू आर ऑन टाइम, तो आयरनिकल वे से मतलब अपोजिट उसका मीनिंग होता है, लेकिन हम जैसे इसमें देखो जैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसकी हेल्प की, लेकिन लंचो क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, तो ये क्या है, एक आयरनी है, आयरनी को हिंदी में विडम्बना बोलते हैं। तो फर्स्ट है द बैंक एम्प्लॉइज हु हेल्प लंचो वर रिगार्डेड एज ए बंच ऑफ क्रुक्स बाय देम, बैंक एम्प्लॉइज ने लंचो की सहायता की और लंचो ने उन्हें क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स कहा, तो यही तो आयरनी है इसमें, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। बी द हेलस्टॉर्म विच वॉज वेलकम बाय लंचो कोज द डिस्ट्रक्शन, जिस हेलस्टॉर्म ने उसकी हेल्प के लिए आए थे वो हेलस्टॉर्म बाय लंचो कोज उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रक्शन किया जी नहीं, ये भी नहीं, गॉड हु लंचो हैड कंप्लीट फेथ इन हैड डिस्ट्रॉयड हिम, लंचो का गॉड पे विश्वास था उसने उसकी फसल को ख़राब कर दिया, तो ये आयरनी है, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं, तो इसका तो ए बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो इसमें आयरनी की डेफिनेशन भी दे रखी है स्टूडेंट, ये देखिए व्हाट इज एन आयरनी, आयरनी क्या होता है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आप देखिए, आयरनी प्रोनाउंस्ड आयरनी इज व्हेन देर आर टू कॉन्ट्राडिक्टिंग मीनिंग्स ऑफ द सेम सिचुएशन, जब सेम सिचुएशन की दो अपोजिट मीनिंग होते हैं, इवेंट इमेज सेंटेंस फ्रेज और स्टोरी, आयरनी इज ऑफन यूज फॉर क्रिटिकल और ह्यूमीरियस अफेक्ट इन लिटरेचर म्यूजिक आर्ट एंड फिल्म और ए लेसन, आयरनी क्या होती है, क्रिटिकल होती है, वो किसी भी राइटिंग में म्यूजिक में आर्ट में ह्यूमीरियस अफेक्ट भी डालती है, हास्यपद या फिर क्रिटिकल अफेक्ट डालती है, तो वो होती है हमारी आयरनी। जैसे इसमें आयरनी क्या थी चैप्टर में कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने लंचो की हेल्प की और लंचो ने उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रॉक्स, तो ये क्या है, आयरनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।